रंजना की रसोई घरेलू नुस्खे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खास होम रेमेडी लेकर आई हूँ, खासकर बालों के लिए। आजकल के टाइम में बहुत कम उम्र में हमारे बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं, तो हमारे बाल हमेशा काले कैसे रहें उसके लिए मैं सबसे आसान और घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। तो उसके लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, तो लोहे की कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक कटोरी नारियल का तेल लेना है। तो हम इस तेल को कढ़ाई में डाल देंगे, तो इसका हम तेल बनाएंगे जिससे हमारे बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक कटोरी तेल लिया है, आपने जितना बनाना है आप उतना ले सकते हो। उसके बाद हमने इसमें लेना है एक चम्मच शिकाकाई पाउडर। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक चम्मच डाल देंगे शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई रीठा पाउडर डालेंगे और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें आंवला पाउडर। और हमने इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम अनार के छिलकों का पाउडर। तो ये मैंने घर में बनाया था, इसे डालने से क्या होगा, हमारे बाल इसमें कालापन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इस तेल को बनाने से क्या होगा कि आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। दूसरा, बाल इससे लंबे काले घने और चमकदार बनेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, इसको काला करना है हमने बिल्कुल, और लोहे की कढ़ाई में इसको बनाना है, तभी इसका असर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा तेल काला होने लग गया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी होम रेमेडी कैसी लगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, तो अब ये काला होने लग गया है बिल्कुल। अगर आपको इसका ज़्यादा असर चाहिए तो उसको लोहे की कढ़ाई में रख दे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम इसको छान लेंगे। और इसको अपने बालों पर धीरे धीरे मसाज करके जड़ों में लगाना है। इसको आप दो टाइम भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं तेल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और जो हमारी कढ़ाई में बच गया था उसको हमने क्या करना है, इसका डाई के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा इसमें तेल डालकर पका सकते हैं और इसको बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।